वेलकम टू रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती कपूर। रिवर्सिंग आर्थराइटिस एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। जवाब आपके दर्द से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, आपकी पूरी जिंदगी से रिलेटेड। ये दर्द है आर्थराइटिस की वजह से जो आपको एकदम असहाय बना देता है। आर्थराइटिस से जुड़ी सभी समस्याओं के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच भारती। सबसे पहला सवाल, क्योंकि हमारा शो आर्थराइटिस पर बेस्ड है, सबसे पहला सवाल और सबसे जरूरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि गठिया में या जोड़ों के दर्द में कितना दर्द होता है? दर्द की कोई परिभाषा नहीं होती, दर्द की कोई डेफिनेशन नहीं होती, और ना ही दर्द देखता है उस इंसान का क्या रिलीजन है, उस इंसान की स्किन का क्या कलर है और उसका धर्म क्या है। जी, दर्द सिर्फ एक ऐसी आवाज़ अंदर से निकालता है कि उसका कण कण कांप जाता है। दर्द को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पेशेंट्स की आंखों में झांक कर देखिए, आप देखेंगे कि उनकी आंखें किस तरह की कहानियां आपको बताती हैं। दर्द एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को, एक स्ट्रॉन्ग इंसान को भी कमज़ोर बना सकता है, लेकिन दर्द बताना या उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो आप उस इंसान से पूछिए जिसको दर्द होता है। लेकिन एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग इतने दर्द से गुजरते हैं कि उनके आंसू तक सूख जाते हैं, और वो कंडीशन अगर आपकी है और आप अगर परेशान हैं, लाचार हैं, तो हमसे बात कीजिए। आप आर्थराइट प्लस लेकर देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे थैंक यू तो ज़रूर बोलेंगे, लेकिन आप ईश्वर को थैंक यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसी के ज़रिए हम आप तक इस तरह का प्रोडक्ट ला पाएंगे। जी, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हैं। जी हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर एस के शर्मा है। डॉक्टर शर्मा आप बोल रहे हैं? जी नमस्कार, ऑफ कोर्स इज माय फादर। वेलकम टू आवर शो सर। जी डॉक्टर शर्मा, आपने कैसे याद किया बताइए? मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था जी, तो मुझे याद आया, मैंने कहा आपसे बात करी जाए। अच्छा जी, देखिए मेरी एज 72 इयर्स है। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर गौरव का फादर हूँ, और मुझे एज रिलेटेड आर्थराइटिस हुई थी दोनों घुटनों के जोड़ों में, और मेरे लिए सीढ़ी चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद ये प्रोडक्ट जो हमारे इन प्रोसेस में थी, इसको मैंने यूज़ किया, और उसके यूज़ करने का रिजल्ट ये हुआ कि सेकेंड डोज से मेरी बॉडी के अंदर जितनी स्टिफनेस थी वो ख़त्म हो गई, और मैं आज दौड़ के सीढ़ी चढ़ता हूँ, दौड़ के उतरता हूँ। सेकंड डोज में इसका रिजल्ट दिखता है। सो आपके फादर ही आपके सबसे फ्यू ऑफ द फर्स्ट पेशेंट्स भी जिनके ऊपर हमने इसको काम किया। बट डॉक्टर शर्मा एक चीज और बताइए कि आपकी जो मूवमेंट बॉडी की, जो आप साइड की तरफ बेंड कर पा रहे हैं, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपने पाई थी? बहुत बहुत रिलैक्सेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की हो गई है। मेरे पूरे वर्टिबल कॉलम में आर्थराइटिक चेंजेस आ गई थी, और वो एक्सरे से कंफर्म भी हो गई थी। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ये कहा था, इसका कोई और रेमेडी नहीं है, आप सिर्फ पेन किलर खाइए और डायथर्मी कराइए। फैंटास्टिक। व्हेन आई टुक दिस मेडिसिन, वेल अभी फूड सप्लीमेंट है डॉक्टर शर्मा, फूड सप्लीमेंट, मेरे को बहुत रिलीफ मिला। तो आपको अगर मैं पूछूं तो 10 में से कितने नंबर देंगे इस प्रोडक्ट को आप? मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। 10 नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 नंबर लेने के लिए करना पड़ेगा कि जो थोड़ा बहुत जो स्टिफनेस पहली डोज में नहीं आई थी, जैसे कि पेन किलर में आता है, लेकिन ये है कि बिना पेन किलर लिए मुझे रिलैक्सेशन मिली। फैंटास्टिक। और जितने ज्यादा समय तक आप इसको लेंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो रिलैक्सेशन आती जाएगी, और तब हम आपसे फिर से पूछेंगे कि तब आपने हमें कितने नंबर दिए।
ठीक है जी। हाँ मैं आजकल इसकी सिर्फ एक कैप्सूल डेली ले रहा हूँ। अच्छा जी, विच इज़ अ मेंटेनेंस डोज फॉर मी। जी डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग टू आवर शो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, दैट्स सो वंडरफुल। लाइक मैंने सुना है कि रिसर्चर्स जो होते हैं पहले गिनी पिग्स पे या किसी एनिमल्स पे, और वहाँ पर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट यू सो कॉन्फिडेंट कि आपके फादर ही आपके वन ऑफ द फ्यू पेशेंट्स हैं। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट, एंड उनको बहुत असर भी पड़ा है उनकी बातों से। वेल हमें मेरे को कोशिश करनी कि 10 में से 10 कैसे लें क्योंकि बहुत मैटर करता है। लेकिन हर एक परिवार के अंदर, हर एक परिवार के अंदर एक ना एक इंसान है जिसको अर्थराइटिस या दर्द से परेशानी है जी। और जब हमने देखा कि हमारे आसपास के लोग, हमारी कंपनी के कुछ लोग, मेरे फादर एट्सेट्रा, तो हमने उनको दिया और हमने देखा इसका रिस्पांस, तो मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद ही मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं। और आप में से हज़ारों और लाखों लोग इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, ये मुझे विश्वास है। और यही चीज़ मैं कुछ सालों के अंदर फिर से रीइंफोर्स या रीटरेट कर सकता हूं कि जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो टोटली आपकी नज़रों में खरा उतरेगा। That's so wonderful, doctor. और मेरा अगला सवाल ये है कि क्या एडवांस टेक्निक्स या ट्रीटमेंट्स आए हैं आर्थराइटिस के लिए? वेल एडवांस ट्रीटमेंट्स कोई नहीं आ पा रहे, और अलग अलग फार्मा ड्रग्स बन रही हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक चेन बनाई जा रही है जिसके अंदर हर एक रिंग के ऊपर काम चल रहा है, तो एक ना एक जगह वो रिंग टूटता है और वहाँ से साइड इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। रिंग से अभी हमारे अगले कॉलर रिंग कर रहे हैं जी। हेलो। हेलो जी, वेलकम टू आवर शो रिवर्सिंग आर्थराइटिस। आपका नाम क्या है? जी मैं सुनीता बोल रही हूँ इलाहाबाद से। जी सुनीता जी, डॉक्टर गौरव शर्मा आपको सुन सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी लोअर बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ी एलिवेटेड हो गई है, मींस पॉइंटेड हो गई है। पॉइंटेड हो गई हड्डी के कुछ पार्ट्स, डॉक्टर साहब ऑस्टियोफाइट्स बने होंगे। जी जी, एक्सरे में दिखा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब वो मुझसे बोल रहे थे कि सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ ऑर्थराइट प्लस नाम से सप्लीमेंट लेंगे तो मुझे आराम मिलेगा उससे? मैं रेकमेंड करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ और रीइंफोर्स करता हूँ कि आप आर्थराइट प्लस लीजिए और 15 दिन की सिर्फ डोजेज मंगवाइए और उसको ट्राई करके देखिए। 2 कैप्सूल सुबह लीजिए, 2 शाम को लीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट्स दिखेंगे और आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं आपका दर्द को समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक सोल्यूशन भी देना चाहता हूँ जो कि आर्थराइट प्लस है। घबराइए मत, ये जो हड्डियाँ जो बढ़ जाती हैं रीढ़ की हड्डी, वो बहुत खतरनाक नहीं होती हेल्थ के लिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको रिकवर किया जा सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है। आपकी पेन और मूवमेंट और आपकी रेंज ऑफ मोशन ज्वाइंट कीजिए, उसको रिस्टोर किया जा सकता है। आर्थराइट प्लस स्टार्ट कीजिए और 15 दिन में आप कुछ दूसरी कहानी सुनाएंगे हमें। जी जी सुनीता जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आर्थराइट प्लस आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आप भी आर्थराइट प्लस का फायदा उठाना चाहते हैं तो फौरन हमें फोन कीजिए, फोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आर्थराइट प्लस एक क्योर है, लेकिन क्या कोई प्रिवेंशन है जिससे आर्थराइटिस को रोका जा सकता है? ये क्योर नहीं है, ये आपकी रिवर्सल है जी, क्योंकि क्योर करना एक गलत स्टेटमेंट है और वो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो सकती है जी। इसलिए रिवर्सल की हम बात करते हैं। और जी रिवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए। अपना सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब, पिछले 6-7 महीनों से हमारी जो जिंदगी है वो एकदम बिल्कुल से बहुत बुरी तरह से मैं जूझ रहा हूँ जी। मेरे दोनों घुटनों में लगभग 3-3 साल से वो गठिया की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उन्होंने एक हमारी नी का रिप्लेसमेंट किया। अच्छा, रिप्लेसमेंट हो गई है एक जी। एक आपकी उम्र कितनी है पंकज जी? मेरी उम्र 59 ईयर्स। 59 ईयर्स की उम्र है जी। और डॉक्टर साहब, उसके पहले जो 3 साल तो हम इतनी बुरी तरह से जूझे दर्द से, और फिर उसके बाद ये जो एक नी रिप्लेस हुआ भी मेरा, उसके बाद भी हमारी तकलीफ कम नहीं हुई। उसे करवाया, फिर उसके बाद इतनी एक्सरसाइज मतलब पैसिव, कि उससे पैसिव मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं आपको, एक हफ्ता उन्होंने मशीन पर लगा के आपके घुटने के जी जी
जी, मतलब कि पहले जो स्थिति उससे भी मतलब कि बुरी कंडीशन से हम गुजरे हैं। मतलब कि हमारा जो घुटने में दर्द था वो तो एक था ही, दूसरा इस तरह के सब एक्सरसाइज, और मैं दिमागी तो रूप से भी बहुत ज्यादा हिल गया हूँ। अभी मेरा दूसरा घुटना बचा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब कि इस तरह से किसी भी कंडीशन से गुजरूं और कोई भी रिप्लेसमेंट उसका हो। मैं बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा अब इस उम्र में घर वाले भी देखते हैं, मतलब कि एक मतलब मुझे लगता है कि मैं बोझ बन गया हूँ घर वालों के ऊपर। पंकज जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको एक महीने तक जो फिजियोथेरेपी कराई जाती है उसके बाद एक हफ्ते तक आपको पैसिव मूवमेंट्स दी जाती है मशीन के ऊपर, वो बहुत बहुत ही दर्दनाक होता है। और वो बहुत ज्यादा मतलब वो जो टाइम था पैसिव मूवमेंट वाला एक्सरसाइज वाला बहुत ज्यादा वो मतलब मैं और भी ज्यादा उससे घबरा गया हूँ। मैं समझ रहा हूँ, और आप आगे निराश मत होइए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए, क्योंकि मैं आपके आंसू पोंछने आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, आपका जो दूसरा घुटना है उस पर कभी आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इमीडिएटली आराम मिलेगा। और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, 59, तो उस स्टेज पर काफ़ी रिवर्सल किया जा सकता है। चिंता मत कीजिए, सिर्फ इसको 15 दिन तक लेकर देखिए, आप देखेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट होगी, और उसके बाद जब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, तो उसके बाद आपस में आपके आसपास के लोगों में जो परेशान हैं, जिनको दुख है, जिनको दर्द है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ, और वो भी इस रेवोल्यूशन में जुड़ जाएंगे। हमने एक रेवोल्यूशन शुरू किया है जिसके अंदर हम इस दुनिया से इस दर्द को, जो गठिया से रिलेटेड है, आर्थराइटिस से रिलेटेड है, रूमेटाइड आर्थराइटिस से रिलेटेड है, उसको पूरे तरीके से साफ कर दें। जी सर, मुझे भी मेरे मित्र ने ही मुझे बताया था, और बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा से इसे उनको भी फायदा हुआ था, और उन्होंने मुझे बताया, और समझ लीजिए कि आप ही मेरी आखिरी आशा है। नहीं बिल्कुल, देखिए करने वाला ईश्वर है, मैं एक जरिया हूँ, मुझे इतनी बुद्धि दी, इतनी शक्ति दी कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बना सका। बस उसको 2 कैप्सूल सुबह डालिए अपने मुंह में, 2 शाम को डालिए, और उसके बाद ईश्वर का कर्म देखिए, ईश्वर की के मिरेकल्स देखिए, ईश्वर के चमत्कार देखिए। जी डॉक्टर साहब, पंकज जी आप बिल्कुल भी निराश ना होए, और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप अपने परिवार वालों पर बोझ हैं, वो आपका सपोर्ट है, वो आपसे प्यार करते हैं, और वो भी यही प्रे करते होंगे भगवान से कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो प्लीज आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल भारती, आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि आप बोझा नहीं बनेंगे, आप एक एसेट बनेंगे अपने परिवार के लिए। आप ब्रेड अर्नर हैं, आप एक इंसान हैं जो मेहनत कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आप बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। जी पंकज जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पंकज जी बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और अभी उनका इतना मेंटल स्ट्रेस भी हो गया कि उनकी नेगेटिव थिंकिंग हो गई है, उन्हें अपने परिवार पर वो खुद ही बोझ लगने लग गए हैं। बहुत ही दयनीय सिचुएशन, मैं ऐसे कहूँगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बोझा हैं, अगर आप अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन हैं, वो आगे फ्यूचर में नहीं होगा। आप अपने काम आसानी से कर सकेंगे, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी पेन से दूर कहीं चली जाएगी। जी जी, और हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। वेल, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो उसके लिए हमारे को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और आजकल के ज़माने में इसको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे को एक तो क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग रखें कि हमारे जॉइंट के ऊपर लोड ना पड़े, हमारी मसल ले सके, दैट्स वन। दूसरी चीज़ कि हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जा रहे हैं, यानी कि ओमेगा 3 जा रहे हैं, हमारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हमारे खाने में मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारे खाने में अवेलेबल नहीं है। एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, और वो अमीनो एसिड से फिर से नया स्ट्रक्चर बनता है। तो खाने के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, और हार्मोन्स की जो हमारी जो ग्रोथ हार्मोन है और दूसरे एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, वो एज के साथ कम होते जाते हैं। जैसे हम यंग होते हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी चलती है, जब हम ओल्ड होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो इसको प्रिवेंशन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है, अगर आप सही न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर में डाल रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए खाने में, इसके बारे में बात करेंगे हमारे अगले कॉलर लाइन पर। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी
जी मैम जी अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैंने मेरी दादी को नी में प्रॉब्लम थी, मैंने पिछले लास्ट ईयर उनका नी का ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट कराई थी मैम, ठीक है, तो उनके में दर्द अभी भी बना हुआ है जो अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ मैम, और अब तो उनके दूसरी नी में भी दर्द होने लगा है। मैं उनकी नी रिप्लेसमेंट करा के बहुत पछता रहा हूँ, और उनको तकलीफ में देख के मैम मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अब कि मैंने नी रिप्लेसमेंट क्यों कराई, और अब दूसरी नी के लिए डॉक्टर कहता है कि उसको भी रिप्लेसमेंट करा दीजिए, और मैं वो कराना नहीं चाहता हूँ मैम। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, और एक नी रिप्लेसमेंट एक पेनफुल प्रोसेस तो है, वो महंगा भी है, उसके अंदर कई लाखों का खर्चा होता है। मैं आपकी बात पूरे तरीके से समझ रहा हूँ। घबराइए मत, आपकी दादी को जो दर्द है दूसरे घुटने के अंदर, उसके अंदर आराम मिलेगा, और एटलीस्ट आर्थराइट प्लस लेके देखिए, उसके बाद सोचिएगा कि अगर आप दूसरा ऑपरेशन कराना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने जो लोग 70s के अंदर भी हैं और 80s के अंदर भी हैं उनको भी दिया, तो उनको बहुत आराम मिला। तो अपनी दादी को दीजिए, और उसके बाद जब उनको आराम मिलेगा तो हमें बताइएगा। जो पुराना आप रिप्लेसमेंट करा चुके हैं उसके अंदर हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आगे ना हो इसके अंदर डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम से बात कीजिए, और वो आपके घर तक उस आर्थराइट प्लस को पहुंचाएंगे, और फिर हमें इसके बारे में बताइएगा किस तरीके से मदद हुई। जी आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए, परेशान मत होइए, आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आर्थराइटिस से निजात, तो फौरन हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज ना तो सिर्फ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, बल्कि यू हैव गिवन ऑल आवर व्यूअर्स अ प्रूफ एज वेल कि आपके फादर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, और उनको बहुत ही फायदा भी हुआ है। थैंक यू सो मच कमिंग टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच भारती फॉर हैविंग मी। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपका कॉल हम नहीं ले पाए हैं टाइम कम होने की वजह से, तो आप घबराइए नहीं, आप हमें शो के बाद भी फ़ोन कर सकते हैं, और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए हमारा एड्रेस है 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01141774177 +91971177724 +91971177259। हमारा ईमेल एड्रेस है info@drgwellness.in drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। दोस्तों, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप आर्थराइट प्लस से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इसके अलावा, अगर आप डॉक्टर शर्मा से पर्सनली मिलना चाहते हैं या उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं अपने शहर में, सो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। जी हाँ, आपको सिर्फ एक बार उन्हें प्यार से कॉल करके अपने शहर बुलाना है, और वो वहाँ पर हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।